क्या अब सऊदी अरब की मुस्लिम देशों के रहनुमा की साख खत्म हो गई है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसराइल की फलस्तीन को तबाह करने के बाद अब जो लेबनान पर एयर स्ट्राइक लगातार जारी है उसको लेकर। दो मुस्लिम मुल्क इसराइल और लेबनान पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब क्यों अब तक चुप है? इसके कारण हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि एक समय अपने आप को पूरी दुनिया में मुसलमानों का खलीफा कहने वाला सऊदी अरब आखिर क्यों शांत है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस, अमेरिका, जापान के अलावा सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों ने इसराइल और हिजबुल्ला से सीज फायर की अपील की थी। अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों की ओर से शांति की अपील करना तो समझ में आता है, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब ने भी इसराइल से यह मांग की है कि वह थोड़ा अलग है, मतलब यह समझने वाली बात है। सऊदी अरब की इस्लामिक देशों के रहनुमा के तौर पर कई दशकों से अपनी पहचान रही है। अफ्रीकी मुस्लिम देशों से लेकर पाकिस्तान तक में उसकी एक अलग साख रही है और मुस्लिम उम्मा, मतलब जो मुसलमानों के जितने भी बड़े फिरके हैं उनके नाम के साथ एकता की दुहाई देने वाला आखिर सऊदी अरब ऐसे समय में फिलिस्तीन और अब लेबनान पर क्यों चुप है, यह एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल को अगर गहराई से समझें तो जानकार बताते हैं कि सऊदी अरब की आर्थिक जरूरतों के तौर पर यह कदम वह नहीं उठा पा रहा है। मतलब सऊदी अरब बीते कुछ सालों से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में अपनी अर्थव्यवस्था को नई शक्ल देने की तैयारी में है। यह विजन 2030 पर काम कर रहा है, जिसके तहत तेल की बिक्री से अलग अलग स्रोतों से भी आय की कोशिश की जाएगी। मतलब अब सऊदी तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसी तहत बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और इवेंट भी सऊदी अरब ने कराना शुरू कर दिए हैं। भविष्य में भी सऊदी अरब सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म जैसी चीजों के माध्यम से खुद को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। मतलब साफ है, सऊदी भी चाहता है कि उसके पास ढेर सारा रुपया आए और यह रुपया अमेरिका के बगैर आखिर कैसे आएगा। हालांकि ये कहें कि अमेरिका के आगे हमेशा सऊदी अरब नतमस्तक रहा है तो यह कहना गलत नहीं होगा। यही वजह है कि अब ईरान और मिस्र जैसे देश, या हम ये कहें कि ईरान और तुर्की जैसे देश इस पूरे ही मामले में जो आगे आ रहे हैं उसकी वजह से भी सऊदी की साख मुस्लिम देशों में, या ये कहें कि पूरे विश्व के मुस्लिमों में गिरी है। यही वजह है कि सऊदी अरब अब शांति की अपील करता नजर आ रहा है। अब वह कुछ नहीं कर पाया।